अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले, अहलन व सहलन। यार 2024 आ गया और मैंने सोचा ज़रा 23 का जो है ना एक रीकैप आप लोगों को दे दें। अब तब व्लॉगिंग वाले सीन में तो मैं था नहीं, तो जो भी कंटेंट मेरे पास है जिस तरह का भी है वो बिल्कुल आम एक फ़ोन से मैंने बस बनाया हुआ है, उस सोच से नहीं ऑब्वियसली मैंने बनाया था। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले उमरा से, जो कि विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इन 2023, लेकिन बिल्कुल उसके स्टार्ट होने से कुछ अर्सा पहले ही मैंने उमरा किया। सबसे पहले तो आपको वो दिखाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रिप था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे उम्र की सआदत से नवाजा और दुनिया की सबसे पुरसकून जगह मदीने में मैं गया और वहाँ की ये एक स्पेशल हदरा मौत की मंदी, इसकी गेम ही कुछ और थी। यार उम्र पे जाकर मैंने इतनी स्पेशल दुआएं की कि आती मेरी शादी हो गई। और मेरा निकाह हो गया। उसके फौरन बाद ढोलक के सीन शुरू हो गए, सारे लोगों ने फंक्शंस, ये वो, यार बहुत बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे जो सारे शुरू हो गए और वो अब आपको दिखाते हैं। तो यार मेरी शादी के अभी सीन चल ही रहे थे, ढोलक और फंक्शंस वगैरह, कि इसी में एक शादी आ गई कराची में और वो शादी अटेंड करने के लिए हम चले गए कराची। कराची में जाकर कुलाची वगैरह के खाने खाकर तीन तलवार पे तस्वीरें खींच कर आ गए हम वापस और अपने रूम की तैयारियां शुरू करवा दी। वापस आकर दोबारा ढोलक के सारे सीन शुरू हो गए और आपका भाई फुल टेशम टैन है, अपना वेट लूज करके तैयार शहर होकर सारी ढोलक अटेंड। लो जी, शादी तो हो गई और अब आती है 23 की सही मेन हाइलाइट्स, जहाँ पे मेरा ट्रिप शुरू हो गया। सबसे पहले गए सिंगापुर और इस शहर की खूबसूरती से सफाई का मैं फैन हो गया यार। पूरी मैनमेड सिटी है यहाँ पे, येट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ के इतनी सफाई को लेकर ये लोग कॉन्शियस हैं कि एक च्युइंगम भी आप वहाँ पे नहीं खा सकते और अगर आपने खाकर वहाँ पे किसी भी जगह पे फेंक दी है तो आपको $2,000 तक का फाइन हो सकता है। हर चीज़ आर्टिफिशियल है और एक इतनी बड़ी बड़ी जगह है जो कि सिर्फ एक एवटार थीम पर बनी हुई है। नहीं जी, फिर यूनिवर्सल स्टूडियोज चले गए और यहाँ पे जाना मेरी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी जो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई। क्या लग रहा है यार आपका भाई, बारिश हो गई वहाँ पे जिस वजह से हमारा सीन थोड़ा सा ख़राब हुआ, क्योंकि वैसे तो हम काफ़ी राइड्स ले चुके हुए थे। तो और इस जगह पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक हॉलीवुड फिल्म किस तरह से शूट होती है, ये एक एग्जैक्ट सेट उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है और पीछे बिहाइंड द सीन्स बेसिकली जो प्रोडक्शन किस तरह से होती है। सिंगापुर में हमारे पास सिर्फ 6 दिन थे और 6 दिन के बाद हम निकल गए सीधा थाईलैंड। एक मिनट, रेड बुल बैंकॉक में बनी थी, ये मुझे भी वहां जाके पता लगा। आपने थाईलैंड जाके द पिज्जा कंपनी से पिज्जा नहीं खाया तो यू मिसिंग आउट समथिंग वेरी बिग। दाम पिसोर्स जाकर मोदी जी से कुछ डिस्कशन किया, आइंस्टाइन को कुछ बातें समझाकर विराट कोहली को मिले और उसको अपना बिल्कुल पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और साथ ही शाहिद कपूर को फुल टाइम कॉम्पिटिशन दिया आपके भाई ने। यार ये शहर रात के टाइम एक वाइब है। बैंकॉक से फ्लाइट पकड़ी और निकल गए हमको समुई के लिए। समुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही मज़े का एक विलेज स्टाइल एयरपोर्ट, ऐसा लगता है कि किसी गार्डन में आप फिर रहे हो, एयरपोर्ट तो वो लगता ही नहीं। होटल पहुंच के पता लगा कि 6 घंटे रहते हैं अभी हमारे चेक इन में और ठीक ठाक पैसे देकर हमने अपना होटल उसी वक्त लिया। सुबह जब पहुँचे तो बिल्कुल खाली था और होटल की क्या लुक थी, इतना मज़े का खूबसूरत होटल कि दिल करता था यार अंदर ही फिरे जो, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। Tell me, tell me, tell me, tell me.
जाकर अगर आपने स्वेंसन्स की आइसक्रीम नहीं खाई तो इसी तरह है कि आप पाकिस्तान आए और आपने कढ़ाइयाँ नहीं खाई। बैंकॉक जिस वजह से मशहूर ज़माना है उन एरियाज़ में गए, सारा उनको देखा, पाँच मिनट फिर या तौबा की तीते वापस आ गया। हम आ गए वापस पाकिस्तान। पाकिस्तान आते ही शादी की दावतों के सिलसिले फिर से शुरू हो गए और एक दावत लेने के लिए हम चले गए स्वात। स्वाद एक बड़ी ग्रैंड दावत थी मेरी और जिन्होंने वो दावत की थी अगर वो देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच। सारे सीन के बाद हम वापस लाहौर आए और ठीक चार दिन के बाद बाय रोड निकल गए कराची। इस ट्रिप के बाद यार मेरे काम का सीजन शुरू हो गया, इवेंट्स शुरू हो गए और फिर उसके बाद हम के अंदर बिजी हो गया।